स्वागत है दोस्तों भविष्य टेक्निक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कमांडो रेड पोजन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यह जो पैकेट है दोस्तों 10 ग्राम में आता है, और इसका प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 30 रुपया के प्राइस में मिल जाएगा। और इसका यूज दोस्तों चूहा को भगाने या मारने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका टेक्निक देख लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है चूहा भगाने के लिए। उसके लिए दोस्तों आपको एक कटोरा टाइप कोई भी ले लीजिए, यूजलेस कटोरा जिसका उपयोग आपको नहीं करना है, इस तरह से आपको दोस्तों ले लेना है। उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा मुरही डाल दीजिए। उसके अंदर दोस्तों मुरही इस तरह से दे दीजिए कटोरा में, जो यूजलेस कटोरा है। अब इसके अंदर दोस्तों सरसों का तेल दे देना है। सरसों को तेल को दोस्तों पहले इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि पूरी मुरही में जो है तेल मिल जाए। तेल का खुशबू दोस्तों चूहा को बहुत पसंद होता है। अब दोस्तों पैकेट को फाड़ लेंगे चाकू की मदद से। दोस्तों यह बहुत हार्ड होता है दोस्तों, इसलिए इसको सेंट आपको नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बचा के। इस तरह से लेकर के दोस्तों इस तरह से देखिए काला काला हो जाएगा। इसको चाकू की सहायता से मिक्स कर लीजिए, और चाकू से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। और जहाँ भी आपको चूहा लगता है जो भी गोदाम में, वहाँ पे मुरही को रख भी सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा चूहा है तो इसको नीचे में छिड़िया दीजिए, ताकि चूहा इसको हल्का खाएगा दोस्तों, भाग जाएगा आपके गोदाम में, नहीं मरेगा। और ज़्यादा खा लेगा तो वहाँ भी दोस्तों मर सकता है। इस पे दोस्तों देख लीजिए लिखा हुआ है बच्चे की पहुँच से दूर रखिए, तो जहाँ पर बच्चे आते जाते नहीं हो वहाँ ही इसको रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत डेंजर होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।